छात्री ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। सीआरपीएफ डीआईजी और एसपी ने आत्मसमर्पित दंपति को 10,000 रुपए की सहायता प्रदान की। माओवादी संगठन में गोपी उर्फ मंगल ने 6 मार्च 2002 को पीएलजीए के सदस्य के रूप में भर्ती होकर दिसंबर 2014 तक रहकर कई महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल रहा, जिसमें थाना बेदरे मुरदंडा और तीमापुर के बीच यात्री बस को रोककर आगजनी, 2003 में गिदम थाना अटैक, 2004 में उड़ीसा के कोरापुट जिले के पुलिस लाइन थाना प्रशिक्षण केंद्र पर अटैक, ऐसी कई वारदातों में यह शामिल रहा। माओवादी दंपतियों ने पुलिस अधीक्षक कश्यप तथा सीआरपीएफ डीजी कोमल के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि दोनों के खिलाफ बीजापुर में अलग अलग थानों में कुल 73 मामले पंजीबद्ध हैं, साथ ही कुल 50 स्थायी वारंट भी लंबित हैं।